civil society, ensuring that even the most vulnerable have access to a clean living condition. Cleanliness extends beyond personal hygiene to public spaces, oceans and forests. महात्मा गांधी का जन्मदिन सारे विश्व में मनाया जाता है और यूएनओ में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि ये दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाए। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और आज के समाज में, आज के युग में वो ही व्यक्ति, वो ही समाज उन्नति करेगा जो अहिंसा पर चलेगा, क्योंकि अहिंसा का युग है, प्रेम और एकता का युग है। जो दुनिया में भेदभाव हैं उन्हें हटाने का युग है और उसके बदले में जो भेदभाव का उल्टा है या सुलटा है वो है एकता, वो लाने का युग है। तो योग एकता लाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, अपने घमंड को त्यागने की आवश्यकता है, अपने को बड़ा समझने की जो एक हर एक व्यक्ति में एक इंस्टिंक्ट होती है उसको कम करने की आवश्यकता है। एकता के लिए अहिंसा भी बहुत ज़रूरी है। अहिंसा का मतलब होता है जो महात्मा गांधी ने बताया था कि मन से, वचन से और कर्म से कोई भी दूसरे को तंग करने का विचार, जीवन में कष्ट देने का विचार जीवन में नहीं लाना। कितना अच्छा संकल्प है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य रहें। हालांकि मनुष्य में जो ये शरीर है ये थोड़ा सा इसके अंदर नीचे गिरने की या छोटी बातें सोचने की एनिमल इंस्टिंक्ट है, लेकिन जो आत्मा है वो इतनी उदीयमान है कि हमें आत्मा के जो डिक्टेट्स हैं उन पर चलना चाहिए। और उसमें का डिक्टेट जो एक है वो प्रेम और अहिंसा है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में मनसा वचना कर्मणा किसी को कष्ट नहीं दिया, कष्ट सहा।